नमस्कार दोस्तों, जो लोग YouTube को चैनल को हमारा देख रहे हैं उनको नमस्कार, और जो को वीडियो ये अच्छी लगे वो लाइक शेयर जरूर करें, और प्लीज नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लें। अब चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा YouTube पे वीडियो को कैसे वायरल करें। YouTube पे वीडियो वायरल करने के लिए आपको मैंने पिछली वीडियो में बनाया था कि YouTube में अपनी वीडियो डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले एक जीमेल आईडी बनानी होती है। जीमेल आईडी बनाने के बाद आपको क्या करना होता है, जो भी वीडियो आप डालेंगे उसका थंबनेल और डिस्क्रिप्शन दोनों डालना पड़ता है, ठीक है। आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ वीडियो को वायरल करने के लिए क्या दो तीन आसान तरीके हैं जिससे आप वीडियो वायरल कर सकते हैं। वीडियो वायरल करने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो वायरल यूट्यूब वीडियो वायरल करें, ये आज का टॉपिक है। अब इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। यूट्यूब वीडियो वायरल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वीडियो का आपका थंबनेल। जैसे ही कोई वीडियो किसी के पास जाएगा तो सबसे पहले आपको उसका थंबनेल दिखेगा। टाइटल भी नहीं दिखता, डिस्क्रिप्शन भी नहीं दिखता, चैनल का नाम भी नहीं दिखता, लोगो भी नहीं दिखता, तो सबसे पहले क्या दिखेगा किसी को, थंबनेल दिखेगा। तो सबसे पहले आपका थंबनेल सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव होना चाहिए। अगर आपने किसी टॉपिक के बारे में वीडियो बनाया है, उस टॉपिक का जो सबसे लेटेस्ट टेक्निकल ये होना चाहिए। जैसे आपने यूट्यूब के बारे में बनाया, यूट्यूब का वीडियो आप देख लो, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी वीडियो वायरल हो जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आपका वीडियो वायरल हो जाएगा। इस तरह का टाइटल में आप टाइटल डालें, उसमें थंबनेल में इस तरह का आप टाइटल डालें, तो ये हो गया आपका थंबनेल। चलिए थंबनेल के बाद आते हैं टाइटल। टाइटल में कोशिश करें आप वीडियो इस तरीके से टाइटल डालें जिसमें कुछ हिंदी पार्ट भी हो, कुछ इंग्लिश भी हो। टाइटल कभी भी आप वीडियो में डालेंगे तो आप उसमें ये ध्यान रखें, टाइटल में थोड़ा बहुत आपका हिंदी में भी होना चाहिए, थोड़ा बहुत आपका इंग्लिश में भी होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग इंग्लिश में ही यूट्यूब पे वीडियो सर्च करते हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो नए नए यूट्यूबर्स हैं और जो पुराने हैं, तो कई चीज़ों उनको नहीं पता, तो उसके लिए वो कई बार क्या करते हैं यूट्यूब पे जाकर के टाइटल जब भी आप डालते हैं तो यूट्यूब को इंग्लिश में भी डालते हैं और कुछ लोग हिंदी में भी डालते हैं। तो टाइटल में कोशिश करें आपका जब भी आप टाइटल डालें, टाइटल डालने के बाद एक डैश डालें, डैश के बाद जब भी आप इंग्लिश में डालें, हिंदी में डालें, दोनों चीज़ डालें। टाइटल जो भी आपको 100 कैरेक्टर डालने हैं प्रॉपर 100 कैरेक्टर का यूज़ करें, क्योंकि टाइटल में जो चीज़ आप डालेंगे टाइटल में ही आपका वीडियो सर्च में जाता है, डिस्क्रिप्शन पर ही आपका वीडियो सर्च में जाता है। तो वीडियो को वायरल करने से पहले आपका टाइटल में खास करके ध्यान रखना है कि आप किस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं, उसी टॉपिक से रिलेटेड सारी चीज़ें आप टाइटल में डालें। हाउ टू वायरल योर वीडियो, हाउ टू क्रिएट योर वीडियो, ये नहीं, अगर आपको वायरल करना है वायरल वीडियो, हाउ टू वायरल योर वीडियो, अपनी वीडियो को वायरल कैसे करें, इस तरह का आप टाइटल बना के डालें जिससे आपका वीडियो में पॉपुलैरिटी आएगी, ठीक है। टाइटल के बाद होता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आप जब भी वीडियो बनाएंगे डिस्क्रिप्शन में आपको बेसिकली 5000 कैरेक्टर्स लिखने होते हैं, इंग्लिश वर्ड के 5000 वर्ड लिखने होते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो 5000 अल्फाबेटी का जो भी शब्द लिखना है उसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जैसे आपने वीडियो में डाला है उससे रिलेटेड इंडिया में जितनी जब सर्च में जाएंगे ना, गूगल पे डालेंगे सीधा हाउ टू वायरल वीडियो, जैसे आप उसमें डालेंगे गूगल पे तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी। तो जो जो चीज़ें आपको दिख जाएंगी वो सारी चीज़ें आप टाइटल में डाल सकते हैं, 1000 चीज़ दिख जाएंगी, वो सारी चीज़ें आप डालेंगे तो जितने लोग सर्च कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आ जाएंगी वीडियो को वायरल करने के लिए। तीसरा एक सबसे बड़ा पार्ट है, ये चीज़ों के बाद आपको क्या करना है, वीडियो को क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करना है। वीडियो को क्वालिटी अगर आप कैमरा में वीडियो बनाते हैं तो, जैसे मैं अभी नया नया यूज़र हूँ तो मैं ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं आपको बताऊँ कैमरा क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, जो आपके मोबाइल में बढ़िया कैमरा हो। मोबाइल में कई बार दो कैमरे होते हैं, कई बार चार कैमरे होते हैं, कई बार आगे भी कैमरे होते हैं, कई बार पीछे भी कैमरे होते हैं, तो जो पीछे वाला मेन कैमरा है उससे आप कोशिश करें वीडियो शूट करने का, क्योंकि उससे आपकी क्लैरिटी काफ़ी अच्छी आएगी। तो वीडियो क्वालिटी अच्छी आएगी तो जाहिर सी बात है कस्टमर को देखने का इंटरेस्ट लगेगा आपका। वीडियो का टाइटल, वीडियो में जो दिखता है उसी हिसाब से वीडियो रखें, वीडियो का टाइटल आपको वीडियो के हिसाब से ही रखना चाहिए, ठीक है। अपनी वीडियो में हैशटैग का कई बार उपयोग करना चाहिए। हैशटैग क्या होता है अब इसके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ आपको। हैशटैग बेसिकली, जैसे आपने फ़ोटो डाला कोई, तो फोटो आपको वायरल करना है, तो फोटो आपने डाला अपने आईडी से डाला तो वहाँ आपने अपना आईडी लिख दिया, फ़ोटो डाल दिया। बट अगर आप वहाँ पे जो आपकी
लिखे होते हैं जिसमें आपको लिखना होता है टाइटल में, तो उसमें आप फोटो की जगह हैश लिख करके फोटो लिख देंगे, हैश लिख करके फोटोग्राफ लिख देंगे, हैड की करके वायरल लिख देंगे, वायरल फोटोग्राफ। तो इससे क्या होगा, एक तो आपकी पेज पे वो चीज रहेगी, एक आपकी उस पेज पे भी रहेगी ये चीज, उस पेज पे जब कोई सर्च करेगा तो वहां पे भी ये दिखाएगा। तो वीडियो में वायरल करने के लिए आपको हैशटैग भी एक बहुत इंपॉर्टेंस पार्ट है। तो कई बार आप हैशटैग ज्यादा नहीं दें, एक ही याद दें, हैशटैग ज्यादा आप इसलिए नहीं दें क्योंकि जो आपका वीडियो है पर्टिकुलर एक टॉपिक से रिलेटेड होगा, दो टॉपिक से रिलेटेड होगा, तीन टॉपिक से रिलेटेड होगा, 1000 टॉपिक से नहीं होगा। तो हैशटैग आप वही डालें जिस टॉपिक से रिलेटेड आपका वीडियो है, ठीक है। यूट्यूब वीडियो बनाने में एक और इम्पोर्टेंस पार्ट, सबसे बड़ा पार्ट क्या है, आपको जो आप डाउनलोड यूट्यूब वीडियो को जो अपलोड करते हैं वो सुबह 6 बजे से 9 बजे तक बीच अपलोड करें, ठीक है। और 12 बजे का ये टाइम ज़्यादातर एक्टिव लोग होते हैं, सुबह 6 से 9 या फिर 12 बजे, इस टाइम में जब भी आप वीडियो डालेंगे तो आपकी वीडियो वायरल होने के ज़्यादा होंगे चांसेस। तो जब भी आप वीडियो अपलोड करें तो वीडियो अपलोड करने का एक टाइम होता है सुबह में, उसी टाइम में आप वीडियो अपलोड करें तो आपकी वायरल होने के ज़्यादा चांस हैं सुबह में 6 से 9। दूसरा, कोशिश रखें आपका वीडियो 12 बजे में आप डालें, क्योंकि 12-2 बजे में जब आपके सब जगह जब लंच टाइम होता है, जो जॉब करते हैं, जो अपना काम करते हैं, सबका दोपहर में जब खाने का टाइम होता है उस टाइम में लोग फ्री होते हैं, तो उस टाइम में दोपहर में लोग टीवी मोबाइल उस पर थोड़ा सा टाइम देखते हैं इंटरटेनिंग करने के लिए। तो उस टाइम में जो अगर बीच के वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा तो उस टाइम में ज़्यादातर लोग देखना चाहते हैं। तो कोशिश करें आप वीडियो जब भी आप डालें तो आप इसी टाइम में डालें, या तो सुबह 6 से 9 या दिन में आप 12 बजे डालें, तो ये वीडियो आपकी वायरल होने के चांस ज़्यादा हैं। 3 बजे से 6 बजे तक वीडियो अपलोड भी कर सकते हैं, शाम को आप 3 बजे से 6 बजे तक भी अपलोड कर सकते हैं, उस टाइम भी आपकी वीडियो वायरल हो सकती है। बट कई बार देखता हूँ मैं रात में मैं भी अपलोड कर देता हूँ, तो रात में वीडियो अपलोड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मैंने रात को अपलोड किया, मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, उसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा नहीं आया। तो जो मैंने सुबह अपलोड किया है, कई बार मैंने 2 बजे अपलोड किया है वीडियो और मेरा शाम तक 400 व्यू आ गया, क्योंकि वो टाइमिंग ही ऐसा है, 2 बजे का टाइम सबका लंच का होता है, लोगों का फ्री टाइम होता है, तो उस टाइम आप वीडियो डालेंगे तो वीडियो आपकी वायरल ही नहीं आम बात है। वीडियो वायरल होने में कितना टाइम लगता है, वीडियो वायरल होने के लिए आपको थंबनेल पे और ये डिस्क्रिप्शन पे पता लगता है आपको वीडियो वायरल होने के लिए। अच्छा, कई बार क्या होता है, वीडियो का जो है ना, जब भी आप वीडियो वायरल करना चाहते हैं तो कोशिश करा करें YouTube पे अपना अकाउंट बना लें, सेम आईडी नाम से आप अपना Facebook पे अकाउंट बना लें, सेम आईडी नाम से आप अपना Instagram पे अकाउंट लगवा लें। तो ये 3-4 जगह जैसे आप अकाउंट बना लेंगे तो जो वीडियो आपने बनाया है YouTube पे भी वीडियो डालें, उसमें आप हैशटैग YouTube का डाल दें, उसमें आपको थंबनेल YouTube का डाल दें। और अगर आप Facebook पे वीडियो डालते हैं तो Facebook पैरामीटर के हिसाब से वीडियो डालें, उसी क्राइटेरिया में आप Facebook में भी वीडियो डालें, क्योंकि फेसबुक में आपको पॉपुलरिटी ज़्यादा मिलेगी, फेसबुक में ज़्यादा चलता है, यूट्यूब तो है ही बहुत बढ़िया, बट फेसबुक अपना एक अलग प्लेटफॉर्म है, तो फेसबुक में भी अपनी कंटेंट को आप डालें, यूट्यूब पे आप डाल ही रहे हैं वही कंटेंट को, आप फेसबुक पे भी डाल दें वही कंटेंट को, आपका इंस्टाग्राम पे भी डाल दें, आपको लगेगा कि किस तरह का कहां से रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर आपको लगे, कई बार हमारा तो वीडियो यूट्यूब पे बहुत अच्छा चल रहा था, मैं ज़्यादातर यूट्यूब पे काम करता हूँ, कुछ वीडियो हमारा फेसबुक पे बहुत अच्छा चल रहा था, मैं वहाँ पे फेसबुक पे भी डालता हूँ, पहले मैं फेसबुक पे नहीं डालता था। तो आप कोशिश करें जो भी वीडियो आप बनाते हैं यूट्यूब पे भी डाला करें और फेसबुक पे भी डाला करें, इससे क्या होगा आपकी वायरल होने के लिए ज़्यादा एक्टिविटी कनेक्टिविटी हो जाएगी आपका। दूसरा, जो आपके वीडियोज़ है उसको प्रमोशंस भी करें। प्रमोशंस कैसे होता है, जैसे आपका फेसबुक पेज है, उस पेज में जाकर के अपनी अबाउट बारे अपने बारे में लिखने के लिए आप अपने चैनल का नाम लिख दें, जो यूट्यूब का चैनल है आप अपने इंस्टाग्राम चैनल का नाम लिख लें और उसमें वो डाल दें कि आप यहाँ पे जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें सपोर्ट करें, हमारे वीडियो को वॉच करें और हमारे वॉच वीडियो के साथ आप अपना कमेंट्स लाइक्स भी करें। अगर कस्टमर का किसी तरह का कमेंट है उसको आप सीरियसली रिस्पॉन्स लें और उस कमेंट को सीरियसली में इम्प्रूवमेंट करें, ताकि जब भी आप सीरियसली में इम्प्रूवमेंट करेंगे तब आपके कस्टमर्स बढ़ेंगे, उस पर फॉलोअर्स बढ़ेंगे, तब आप यूट्यूब से पैसे कमाने की सोच सकते हैं। तो वीडियो वायरल करने के लिए आपको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस पार्ट है थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, टाइटल। इसके अलावा आपको सबसे बड़े कस्टमर्स के कमेंट्स भी ध्यान देना है, कस्टमर क्या चाहता है, किस तरह के क्लाइंट्स हैं आप जो आपके हैं, यूजर्स, फॉलोअर्स, उसको आपको सब्सक्राइबर, इसको देख करके आपको अपने कंटेंट को इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। वो जो कोई ड्रॉबैक बताते हैं आपके कंटेंट का, इसका खास करके ध्यान रखें, क्योंकि वीडियो आपका तभी इम्प्रूवमेंट हो पाएगा जब आप कस्टमर का कंटेंट कमेंट्स का ध्यान रखेंगे। तो
इस तरह आपने देखा आज के वीडियो में मैंने बताया जो कस्टम वीडियो को वायरल करने के लिए तीन चार चीज़ें बताया आपको, जो सारी चीज़ें करनी है आपको, डिस्क्रिप्शन पूरी तरह भरें और थंबनेल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस पार्ट है, तो इसका पूरी तरह ध्यान रखें। तो वायरल करने के लिए ये सारी चीज़ आप करेंगे, आपका वीडियो वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, वीडियो जब आप वायरल करना चाहते हैं तो टाइमिंग का भी ध्यान रखें, क्योंकि जो सुबह का टाइम है, जो मैंने बताया आपको सुबह 6 से 9, उसके बाद बताया मैंने 12 बजे, उसके बाद बताया मैंने आपको 3 से 6 शाम में, उसके बाद बताया मैंने 12 से 2, तो ये सब टाइमिंग जो है ना, इस्टम टाइमिंग आप वीडियो डालेंगे, इस्टम टाइमिंग जो वीडियो जैसे अपलोड होगी आपका तो लोग फ्री रहते हैं तो ज़्यादा चलेगा। रात को वीडियो अपलोड करने के लिए आपको ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा, सुबह में आप 4 बजे वीडियो अपलोड कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो इस तरह देखा मैंने आपको सारी चीज़ बताई आपको वीडियो अपलोड करने के लिए क्या बेटर आप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें।